एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए। दो धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। सुन लेना, मैं तन्मयता में आता हूं, पीछे वाले कोई मेरे भाई उठ के नहीं जाए। मैं इस कविता को अमूमन सुबह के बेला में पढ़ा करता हूं और बीच में कोई उठ के जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सर मेरे को श्राप लगा है, मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है, इसलिए बीच में कोई उठ के मन जाना मेरे भाई। मैं कविता शुरू करता हूँ, आपकी फरमाइश भी पूरी करूंगा धीरे धीरे अगर वक्त मिलेगा तो। बस मेरी कविता सुन लीजिएगा। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए। दो धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। एक हमेशा मुस्काता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू पढ़कर भला करेगी क्या, अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या। दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर, आपने लिखी है क्या, लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले, सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गईं, बूढ़े को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला था, द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला, मेरे भी बच्चे हैं, हमें उनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, बेलिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली, इससे अच्छा हम मारे मारे फिरें कहीं। चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में करें कहीं। बूढ़ा बोला, मरना ही है, दो कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी। कलसा कुएं में छोड़ दिया, फपकती फुलाती गाल हुई। बूढ़े माँ बाप से चिमट गई, रोती रोती बेहाल हुई। ले गई पकड़ कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए। फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली, सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ। अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं। ये चार रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करती अगर जो खता है। हे आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो। अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती। माँ बाप निरीह अपंग हुए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया। माँ बाप निरीह अपंग हुए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें,
फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुड़ पहचाने। हमने कैसा अन्याय किया, बीते दिन याद लगे आने। बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी। इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। पछताए, मंदिर पहुंचे, जाकर शिवजी के पैर छुए। भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिवजी की महिमा डोल उठी। हो गया उजाला मंदिर में आवाज कहीं से बोल उठी। उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले, तब काम तुझे ये करना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले, तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त आने ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे। होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत अच्छी। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम। कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमा केगा, उस बाप की टांगे टूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे, उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम। वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है।